Our guest for the afternoon is renowned painter Manu Parekh, who's here on the invitation of the Chandigarh Lalit Kala Academy to conduct a painting workshop with young artists, as well as present a slideshow and lecture on his works and painting. We will speak to Manuji on his work, how it has progressed, his journey as a painter, and what influences him and his work. Welcome, Manuji. Thank you. To Chandigarh Lalit Kala Academy. Yeah. So, how has it been working with young artists? Aap char panch din se unke saath. I think it is a very exciting experience. And basically, I think senior artists definitely have an instinct to share with the young students. So, मैंने उस बात का मौका भी ले लिया कि चलो बात करते हैं, और मेरे लिए एक एजुकेशन का एरिया है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अच्छा. और ऐसा लगता है कि माँ बाप इतने पैसे खर्च करके बच्चों को भेजते हैं, और उस लाइन की अगर प्रॉपर एजुकेशन ना हो जी, प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, तो वो 5 साल तो मस्ती में बीत जाते हैं, मगर बाद में आप पेंटर बन पाए या नहीं बन पाए, पेंटर नहीं बन पाए तो अच्छे टीचर बन पाए, अच्छे डिजाइनर बन पाए, अच्छे इलस्ट्रेटर बन पाए. जो बाकी के एरियाज है वो आर्ट कॉलेज में अगर आपकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगी होगी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स करती है. ओके. और इसलिए मुझे लगता है कि जब ये प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बाहर से सीनियर वर्किंग पेंटर्स आके स्टूडेंट से बात करते, तो उनको तो ये ऐसा मौका नहीं मिलता जी. और फिर जब आप यहाँ रह के उनके सामने काम करते हो, वो एक लेवल की कुछ बातचीत होती है, उनको उनका एक डर भी निकल जाता कि सीनियर पेंटर है, एक दो दिन में फिर वो बात करना भी शुरू करते हैं, तो उनकी भी एक अपनी प्रॉब्लम्स होती है वो जो सॉल्व नहीं कर पाते जी. तो एक प्रोफेशनली एक्टिव आर्टिस्ट से बात करने में उनको, मुझे लगता है कि काफ़ी फायदा होता होगा जी. तो आपका बेस क्या रहा था वर्कशॉप का? वाज इट मोर प्रैक्टिकल अप्रोच या वाज इट टेक्निक दैट यू फोकस्ड ऑन? मुझे लगता, मैं बिल्कुल सोच के आया कि मैं जो काम करता हूँ उसकी कुछ ज़्यादा बातें न करके जी, उनके लिए जो जरूरी टेक्निकल बातें हैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी. जैसे मैं बनारस लैंडस्केप करता हूँ, तो एक लैंडस्केप किया, पर वो करते समय काफ़ी मेरी जो टेक्निकल दूसरी फैसिलिटीज थी वो परफॉर्म करने की कोशिश की. अच्छा. कि एक लेवल के ब्रशिंग कैसे होता है, आदमी कलर कैसे हैंडल करता है वगैरह, ताकि उनको एकदम डायरेक्टली पेंटिंग बनते हुए देखने से भी ज़्यादा टेक्निकली कुछ एरियाज पता लगे. दैट्स राइट. सेम वे मैंने फिर 3 ड्राइंग किए हैं, तो 2 ड्राइंग द यूज ऑफ चारकोल, मुझे बिल्कुल उनको बताना था कि चारकोल का यूज कैसे होता है, और एक छोटा सा ब्लैक कलर की स्टिक से आप कितना कमाल की एक इमेज पैदा कर सकते हो. तो 2 चारकोल किए, और आज मैंने पेस्टल से कुछ काम किया. तो मेरे दिमाग में तो उनको कुछ टेक्निक साइड एक एक्सपोजर देने का इंटेंशन रहा. तो थोड़ा सा अपने बारे में मनुजी, आप काफ़ी स्फीयर्स में काम कर चुके हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, एसोसिएटेड विद डिज़ाइन एज अ डिज़ाइन कंसल्टेंट, आप रूरल एरियाज में हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं. इतने सारे अमेलगमेशन कैसे रहा है, और आपके वर्क में कैसे रिफ्लेक्ट हुआ है ये सारे एरियाज? मैं अहमदाबाद से हूँ, और मेरी एजुकेशन स्कूल से ही मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट था, और मुझे बहुत ही अच्छे मुकुंद सौंप करके टीचर थे, ड्राइंग टीचर, मेरे 5th क्लास में मिल गए थे. तो एक तो मैं बिल्कुल इसमें मानता हूँ कि एक अच्छा टीचर मिलना बहुत ज़रूरी है. right. उससे आप जो कुछ भी शुरुआत में सीखते हो वो अभी तक काम आता है. तो मुकुंद सौंप की वजह से मैंने जो वहाँ की जे स्कूल ऑफ आर्ट की 2 एग्ज़ाम थे, एलिमेंट्री ड्राइंग और इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्ज़ाम, वो मैंने दोनों पास करी, और फिर मैट्रिक तक स्कूल में तो काम करते ही गया. फिर मैंने वहाँ की, मैं सोचा कि मेरे ड्राइंग टीचर की तरह मैं भी एक ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लूँ, तो वो करने गया.
एक साल का कोर्स था, तो वहाँ मुझे हमेशा एक कॉम्पिटिटिवली अच्छा काम करने की आदत है। तो ये कहाँ था? ये अहमदाबाद की बात है, अहमदाबाद सी एन कला विद्यालय। अच्छा जी। अब एक भाग्य की बात होगी कि वहाँ के पुराने स्टूडेंट थे दशरथ पटेल, काफ़ी वेल नोन आर्टिस्ट, वो पेरिस से वापस आए, पेरिस में गए थे, तो उन्होंने मेरा काम देखा तो काफ़ी खुश हुए, मुझे थोड़ा पुश किया और पूछा कि क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैं तो यहाँ एक साल का कोर्स करने आया हूँ, ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स का, और मैं अभी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि अगले साल मुझे एडमिशन मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो इस तरह का काम से आर्टिस्ट बन सकते हो। एंड आई वॉज सो नॉविस कि मैंने उनको कहा कि क्यों ड्राइंग टीचर बनना आर्टिस्ट बनना नहीं है? तो बोले नहीं। और तो मैंने प्रश्न पूछा कि भाई आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा गो एंड ज्वाइन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे। बस मेरा कुछ उनका वो सेंटेंस खत्म हुआ था और आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे अब ड्राइंग टीचर नहीं होना है। ठीक है। और फिर कुछ घर से भेजना मुश्किल था, घर में तो वेट कर रहे थे कि कब मैट्रिक पास हो जाए, एक नौकरी करे। मगर मैं कुछ एक फ्रेंड की हेल्प से बॉम्बे पहुंच गया। अच्छा। और मैंने बाकी का कोर्स वहां पूरा किया। जी, जी, जी। अब जेजे में भी एक बहुत ही अच्छे टीचर मिल गए, वो थे एस बी पलसीकर। मैंने उनकी वजह से भी टेक्निक के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। और मुझे लगता है कि हम जो ये आर्ट कॉलेज में होते हुए सीखना ही चाहिए, सीखना तो वैसे बाद में अभी भी हमें सीखना ही पड़ता, मगर एक टेक्निकल नॉलेज आपको मैंने आर्ट स्कूल में जो उस समय मिल जाता वो आपका एक बेस बना देता है, और वो बहुत ज़रूरी है कि ऑयल कैसे हैंडल करना, वाटर कलर कैसे हैंडल करना। जैसे मैं पर्सीकर की वजह से एक दूसरा एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, मिनिएचर कॉपी करवाते थे। अच्छा। हाँ जी। और वो भी पर्सीकर हैंडल करते थे और ऑयल भी वो ये हैंडल करते थे, और वो कमाल के टीचर भी रहे। तो यूज़ ऑफ चारकोल, यूज़ ऑफ ऑयल वगैरह, और थोड़े से पुराने जमाने के टीचर थे तो कभी अपमान भी करते थे और कभी गुस्सा भी करते थे, मगर सीखने बहुत मिलता था। जी, जी। तो वो एक सबसे बड़ी अच्छी शुरुआत हुई कि एक अच्छी कॉलेज में काम सीखने मिला। जी। एंड जेजे स्कूल से कब पास आउट किया आपने? जेजे से मैंने कुछ 62 में पास आउट किया। जी। फिर मैं कुछ अहमदाबाद चला गया था और बॉम्बे में उस जमाने में मैं इंटर कॉलेज ड्रामा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता था। जी। तो ये जो आजकल बहुत बड़ा नाम है तारक मेहता, वो मेरे पहले डायरेक्टर थे। अच्छा। तो मैं साइड में थोड़ी थिएटर कर लेता था ताकि कुछ पैसे मिल जाए। ओके। और जे छोड़ के मैं जब अहमदाबाद चला गया पास करके, तब अहमदाबाद में रह कर काम करता था, मगर वहाँ भी टैगोर सेंटिनरी थी और एक नया कॉलेज खोला था थिएटर का, तो उसमें स्टूडेंट बहुत ही कम थे, 7 ही स्टूडेंट थे, और टैगोर सेंटिनरी होने से उनको मुख्य धारा प्ले करना था, तो उसमें काफ़ी एक्टरों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने कभी किसी से बताया कि भाई वहाँ ज़रूरत है, तो हम पहुँचे। और फिर मैंने जसवंत ठाकर के अंडर मुक्तधारा किया। okay. सेट डिज़ाइन भी करी। okay. और मैं दिन में पेंटिंग करता था, शाम को रिहर्सल वगैरह करके। तो इस तरह से कुछ 1.5-2 साल निकल गए। बाद में लगा कि शायद ये इस तरह से रहना जॉब बिगर मुश्किल है, और हमारे ज़माने में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि आपको कुछ ना कुछ एक काम करना पड़ता था। तो मैंने फिर पुपुल जंकर के अंडर वीवर सर्विस सेंटर ज्वाइन किया बॉम्बे में। बॉम्बे में। ओके। तो ये किस इसके बारे में थोड़ा बताइए, कोई शिफ्ट लगा काफ़ी आपको कि एक फ्रीलांसिंग इंडिपेंडेंट लाइफ से?
वो बहुत ही बुरा तो लगा कि जॉब ज्वाइन करना पड़ा जी। क्योंकि मैं काफ़ी एम्बिशियस था कि फुल टाइमर ही रहना है जी। तो मुझे लगा कि एक दो साल जॉब कर लेते हैं, बाद में जब मैं बॉम्बे आया तो माधवी को मैंने पहले ही दिन यही तारक मेहता से 100 रुपया उधार लेके मॉन्टेसोरी कोर्स ज्वाइन करवाया था जी। और दिमाग में कुछ ऐसा कैलकुलेशन था कि वो टीचर बन जाएगी जी। तो वो जॉब करेगी और मैं पेंट करूँगा। मेरे हमारी कुछ कहानी थोड़ी अलग सी है जो शायद माधवी बताएगी थोड़ा। तो उसकी वजह से फिर मुझे माधवी ने पेंटिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और उसकी वजह से फिर मुझे लगा कि माधवी जॉब करने जाएगी तो पेंटिंग नहीं होगा उससे जी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं थोड़ा और कर लूँगा जी। तो जो जॉब 2 साल के लिए लिया था आई हैव टू डू फॉर 26 ईयर्स। अब मजे की बात है कि ये जो जॉब है जॉब थी जी। वो पुपुल जयकर ने वीवर सर्विस सेंटर अंडर ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड खोला। अच्छा जी। पुपुल जयकर उस जमाने में कल्चरली मैंने काफ़ी बने इन्फ्लुएंस करती थी और मिसेस गांधी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी तो एडवाइस भी प्रॉपर करती। तो उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट ये किया कि हम वीवर सर्विस सेंटर खोलेंगे, हैंडलूम के बारे में काम करवाएंगे। अच्छा। ताकि ये जो ट्रेडिशन है ये ख़त्म ना हो जाए। मगर तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात ये करी कि उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइनर नहीं लिए। अच्छा जी। उन्होंने आर्टिस्टों को लेना शुरू किया जिनको टेक्सटाइल से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है। पर आप आके जॉब करो। ठीक है। 4-6 महीने में वो सीखने की कोशिश करो। तो एक कमाल की एक फ्रेशनेस आई। अच्छा। और बहुत सारे उस जमाने में केजी सुब्रमण्यम से लेके जराब पटेल, हिम्मत शाह, अर्पिता सिंह, अम्बादास, कलकत्ता में सुनील दास, साउथ में रेडप्पा नायडू वगैरह कितने लोगों ने ये इंस्टीट्यूशन में जॉब किया। तो एक अच्छा ये रहा कि थोड़ा सा रूट तो ये है आर्टिस्टों का कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड देन लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। उसके बदले बिल्कुल रिवर्स हो गया कि मैं थोड़ी बार कोशिश किया पेरिस स्कॉलरशिप लेने की मगर वो कुछ चांस हुआ नहीं। तो इसमें एक लेवल की रूटेड होने का बहुत ही और एक वर्नैक्युलर एरिया काफ़ी ओपन हुआ कि टेक्सटाइल क्या है, उसकी ट्रेडिशन क्या है। अब जो एरिया में काम करने जाओगे तो वहाँ पहले स्टडी करोगे। तो मैं इस तरह से बॉम्बे में 3 साल था और मैं ज्वाइन करते ही न्यूयॉर्क फेयर हुआ था उस जमाने में, आई थिंक 62 की बात है जी। तो मैंने काफ़ी उसके लिए म्यूरल बनाया, कुछ टेक्सटाइल का एक कुछ एक बहुत बड़ा पेंटिंग क्राफ्ट का एरिया यूज करके मैंने किया था। अच्छा। विथ प्रिंटिंग। अच्छा। तो वो सब सिलेक्ट हुआ था। ओके। तो ये करते कुछ 2.5-3 साल मैं था, फिर अचानक गवर्नमेंट जॉब थी तो ट्रांसफर हुई एंड आई वेंट टू कलकत्ता। अब वो एक नया फेज शुरू हुआ मेरे लिए जी। और कलकत्ता में गया मेरे ख्याल से आई मस्ट बी 24। ठीक है। तो इतना कोई पेंटरली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुए थे, शुरुआती थी। हाँ जी। गुड लक ये है कि ये एक नया फेज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। एक तो मुझे गुजरात में कलकत्ता से एक फैंटेसी थी जैसे पेरिस के लिए थी। अच्छा। या फ्रेंच लोगों के लिए, ऐसे इंडिया में रहते हुए मुझे हमेशा एक फैसिनेशन था शुरू से ही बंगाल के लिए। रविंद्रनाथ का काम बहुत पसंद आता था। okay. मैं बंगला फिल्में बहुत देखता था। okay. मुक्तिधारा गुजराती में हम कर चुके थे जी। सेट डिज़ाइन किया था तो मैं बंगाल के लिए जानता बहुत था। okay. और इंटरेस्ट भी था। ठीक। तो जब ट्रांसफ़र हुई और मैं पहुंचा वहां तो लकीली कुछ जो एक दो आर्टिस्ट को जानता था खास करके श्यामल दत्तरे को, तो उनका लकीली पहले या दूसरे दिन ही मुलाकात हो गया वहाँ। अच्छा। और उन्होंने बड़ा वार्मली मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाया, बाजू में ही था,
सिंपल सा एक चाय का दुकान, जहाँ संडे संडे वहाँ के बहुत ही इंटेलेक्चुअल आते थे जी, और पोएट, पेंटर्स, राइटर, फिल्म मेकर। तो मुझे सडनली एक तो बहुत अच्छा लगा कि बॉम्बे में मैं कुछ थोड़ा ग्लैमरस सिटी लगता था मुझे, और फिल्मी भी लगता था, और मुझे लगता था वो ये सक्सेसफुल लोगों का ही सिटी है। वो कलकत्ता जाके एकदम उल्टा लगा कि एवरीबडी वॉज स्ट्रगलर, आप किसी को भी इजीली मिल सकते हो, कोई पैसा आपको नहीं दिखा सकता। तो वहाँ स्नोबरी थी, आप दिमाग से जरा स्नोबरी दिखा सकते हो, और एवरीबडी वॉज अप्रोचेबल। तो उससे मुझे लगता कि मैं एक ही हफ्ते में कलकत्ता बन गया, और उससे उनको भी एक अच्छा लगा कि एक्सेप्ट करने, नहीं तो बोलते हैं कि भाई वो लोग थोड़े नॉन बंगाली हो, डिफिकल्ट है। हाँ जी, पर हाँ, मुझे जरा भी मैंने प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मुझे हमेशा विश्वास होता है कि अगर मैं आपको जेन्युइनली रिस्पेक्ट करूँ ना, तो आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो वो एक मेरा था जेन्युइन कि थिएटर के बारे में जानता था, फिल्म के बारे में जानता था। बाद में तो 10 साल रहा मैं, तो वी वर टोटली एक्सेप्टेड एज अ पेंटर, और काफ़ी मैंने सत्यजा की फिल्म में हम बिल्कुल उनकी प्रेजेंस में 15-20 आदमी की इसमें देखते थे, तो इस तरह का एक एक्सेप्टेंस मुझे मिला था। मैं 6 महीने में सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कलकत्ता का मेंबर बन गया था। जो अभी भी मैं लास्ट 48 ईयर्स से हूँ। तो ये सब मौक़ों की वजह से कलकत्ता ने ही मुझे लगता है कि एक जो मेरे काम में एक बेसिक जो ऑर्गेनिटी है, अच्छा, और एक ह्यूमन एलिमेंट में मैं बहुत ही विश्वास करता हूँ, वो शुरुआत हुई है कलकत्ता से। कि मैंने कलकत्ता इज अ सी, मैंने वॉज अ सी ऑफ ए ह्यूमन बींग नो। लोग हावड़ा स्टेशन पे ट्रेन से उतर के आ रहे हैं, अब वो ट्रेन से उतर के आपकी जर्नी खत्म नहीं होती ऑफिस जाने के लिए, फिर से आपको बस पकड़नी है, तो उसके लिए लाइन वगैरह। तो मुझे मैं थोड़ा सा पार्शियल हूँ मैंने बंगाली लोगों के लिए, क्योंकि लोग बोलेंगे कि वो लोग लेजी है ये वो, मैं एकदम विश्वास नहीं करता। मैंने मुझे लगता कि उनमें एकदम ह्यूमन स्टेमिना बहुत ज़्यादा लगा, एक स्ट्रगल का लेवल, और फिर एक टेनासिटी लगी, और मे बी फिजिकली थोड़े लेजी होंगे मगर मेंटली बहुत ही एक्टिव, और मैंने सबको सब बातों में इंटरेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को पॉपुलर होना है तो सबसे मज़ा है कलकत्ता में। कि मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊँ, मेरा एक देश मैगजीन करके मैगजीन के कवर पे मेरा पेंटिंग छपा था। अब एक मैगजीन में छपा है तो पीछे क्या लिखा होगा, अंदर के पेज पे लिखा होगा कि कवर बाय मनु पारिक जी, इतना ही होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। मेरी ऑफिस से नीचे उतर के मैं लंच आवर में जा रहा था, तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि मनु पारिक, मनु पारिक। तो मैं देखा पीछे, तो थोड़ा सा आदमी सहम गया, तो मुझे बोला बंगला में अपनी मनु पारिक। तो एक्चुअल हाँ, तो बोले आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है ना। हाँ जी। तो मैंने कहा है, मगर मुझे क्वेश्चन होगा आपको उससे, मुझे रास्ते में मनु पारिक ढूंढने की क्या जरूरत थी। धार से वो बोलता है कि आपका देश मैगजीन में कवर है नहीं टाइम। तो एक बाजू से कवर पेंटिंग के नीचे नाम पढ़ना, अंदर कवर का देखना कि किसका है, फिर उसको कनेक्ट करना कि मैं वहां काम करता हूँ, ये नाम का तो मैंने चेक देखा है, फिर उसी आदमी को जनरली हम नहीं बोलेंगे नहीं। देखते हुए तो भी, मगर ये है बंगालीपना, मैंने एक बहुत ही उनको मेंटली एक्टिव होते हैं, तो वो एक सीखने की बात थी। एंड वेरी ह्यूमन एक एलिमेंट भी, क्योंकि इस तरह के एटमोसफियर में एक लेवल की ह्यूमन स्ट्रगल जो उनको फेस करनी पड़ी थी, इट वॉज अ हार्ड लाइफ, ट्रांसपोर्ट से लेके जॉब वगैरह सब में, बट इट वॉज फैंटास्टिक। मैंने आप रनिंग बस में बस की विंडो के बाजू में अगर आपको सीट मिल गई है तो जो आएगा वो अपनी किताब और अपना टिफिन बॉक्स आपकी गोद में डालेगा पूछे बगैर, और आपको लेके बैठना है, और वो आगे जाके जहाँ उतरेंगे तब अपना अपना जब मांगे, तो एक
कमाल का डिसऑर्डर के बीच में ऑर्डर लगा मुझे। तो ये सब बातें कुछ काम में इन्फ्लुएंस होने लगी, और अच्छी बात ये थी कि मैंने ये सब इलस्ट्रेशन करने की कोशिश नहीं की। मैं बॉम्बे के जो संस्कार है वो एब्स्ट्रैक्शन के थे, ठीक है, पर वो एब्स्ट्रैक्शन में एक लेवल की ऑर्गेनिक पावर बढ़ते गया काम में, और मैं जो कुछ भी करता था बॉम्बे में वो मैंने एकदम बंद कर दिया एक हफ्ते में। अच्छा। कि मैं वो नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, और काफ़ी कलकत्ता ने एक इन्फ्लुएंस, उनके डार्क कलर, स्ट्रॉन्ग कलर, सडन एक लाइट या कुछ ऑर्गेनिक शेप वगैरह आने लगे। ठीक है। तो मुझे लगता कि वो 10 साल के रहने में जो कुछ भी काम में आया जी। पॉलिटिकली मैं कॉन्शियस, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैं लेफ्टिस्ट तो नहीं हुआ हुआ, मगर हमने बांग्लादेश वॉर देखी, पूरा नक्सलाइट पीरियड देखा, तो एक ह्यूमन स्ट्रगल का जो मुझे एक इंटरेस्ट है काम में जी। और मेरे ऑर्गेनिक इसमें ऑलमोस्ट वो माइकल एंजेलो का जो पेंटिंग है रीचिंग आउट टू ईच अदर वाला वो एरिया है। okay. उसमें फिर एक लेवल की ऑर्गेनिटी, एक लेवल का एरोटिज्म भी है, मगर ऑल द टाइम मिलने से पहले का जो एरिया है कि मिलने की कोशिश एंड स्पेशली रीचिंग आउट, वो एक लीप मोटिव बन गया जो अभी तक बिग वे हेल्प करता है। तो अनु जी, कलकत्ता में काम काफी होता रहा पेंटिंग का बिसाइड्स योर जॉब? पेंटिंग 10 साल पेंटिंग तो किया ही, और ये मेंबर होने की वजह से हम लोग रेगुलरली 2 शोज करते थे, एक एनुअल शो होता था उसमें पेंटिंग, और बीच में ड्राइंग और ग्राफिक का शो हुआ करता जी, था जी, जी। और वो जो दूसरे लोगों से भी जो एक जैसे मैं शक्ति चटर्जी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन पाया था, मैंने ही वॉज अ टोटली बोहेमियन पोएट, और कमाल का लिखते थे और कमाल के बोहेमियन भी थे, तो ऋतिक घटक का काम देखा उनको भी, शांतिनिकेतन जाने लगा तो किंकरदा, मेरी गोपाल घोष से एक अच्छी दोस्ती थी, तो वहाँ मुझे मिक्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एंड हम दोनों एक लेवल से टोटली। और फिर मैं एक तो उनको प्यार से देखता था, फिर बहुत अच्छी तरह से भाषा बोलता था मैं। आपने बंगाली सीखी? हाँ, मैंने अच्छा। मैं उनके साथ बिल्कुल कोलोकियल लेवल से बात कर सकता हूँ, तो वो एक सबसे बड़ा एक एडवांटेज था कि एक कम्युनिकेशन में बहुत ही फायदा हुआ था। तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस आपके काम में दिखने लगे? काम में पोएट्री, आर्ट, लिटरेचर, ये सारे स्पेशली द काइंड ऑफ ए ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट जी, व्हिच यू से स्टेज ऑन इवन टिल नाउ इज अ लेटमोटिव ऑफ योर वर्क जी। उस जमाने में वो बनते ही गया, और मैंने उसके लिए काफी प्राइस पे करनी पड़ी, मैंने वो काम इतना एक्सेप्टेड नहीं था, तो वो ठीक है मैंने, मगर एक अपने आपकी मूरिंग मिल जाना वो बहुत जरूरी होता जी जी, विच यू फाउंड। हाँ, मुझे लगता है कि मैं एक जो कुछ भी है एक कुछ रास्ता मिला हुआ है, अभी उसकी लैंग्वेज कितनी बना पाता हूँ नहीं बना पाता उसमें मुझे अभी भी क्वेश्चन है मेरे, और वो डाउट में रहना तो बिल्कुल जरूरी है, पर एक रास्ते का काफ़ी मुझे एक ह्यूमन बींग, उनका फेथ, उनकी बिलीफ, ये आगे जाके फिर जब मैं बताऊंगा ये बनारस वगैरह जाके एक ह्यूमन बिलीफ वगैरह का जो एलिमेंट्स आते गया वो मुझे लगता है कि वो सेम ही एक रास्ता है। तो ये आप एक्सटेंशन मानते हैं फ्रॉम द वर्क? तो बंगाल का फेज 10 साल चला कलकत्ता में, उसके बाद क्या किया? वो 10 साल के बाद मुझे कभी पता नहीं था कि मैं कलकत्ता छोड़ूंगा, छोड़ने को तैयार भी नहीं था, मगर ये गवर्नमेंट जॉब थी और पुपुल जगह ने फिर मुझे दिल्ली का जॉब दिया तो आना पड़ा, और दिल्ली ज्वाइन करने के बाद मुझे एकदम प्रॉब्लम से हो गया कि मैं क्या पेंट करूं। okay. मैंने मुझे एक डार्क डिंजी बॉक्स से उठा के सीधा एक अच्छे से गार्डन में बिठा दिया, तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि वो लेवल का कुछ दिखाई नहीं देता था यहाँ।
एंड दिल्ली बीइंग ए ब्यूटीफुल सिटी, माने पार्क है, अच्छे रास्ते, तो काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी पेंट करने में जी. कुछ उसमें 3-4 साल निकल गए. एंड आई वॉज इन बिग ट्रबल के तो समझ में नहीं आता क्या पेंट करे. वो जो इंस्पिरेशन था, और मेरे लिए कोई एक जगह बहुत ही जरूरी चीज़ है. अच्छा. क्योंकि वो आपको, मैं उसका इलस्ट्रेशन कुछ नहीं करूँगा, मगर उसके दूसरे एक एब्स्ट्रैक्ट एरियाज होते हैं, वो बड़ा हेल्प करता है. तो मैं कुछ 3-1 साल काफ़ी प्रॉब्लम में था, और फिर मुझे सडनली ख्याल आया कि आई थिंक आई एम मिसिंग सम प्लेस, एंड आई वॉज मिसिंग कलकत्ता. मगर अब मेरे लिए कलकत्ता वापस जाना मुश्किल था. तो मुझे एक ऐसा लगा कि कलकत्ता जैसी ही कोई एक जगह की मुझे ज़रूरत है जो कि ऑर्गेनिक हो, और तब तक वही ऑर्गेनिक एरिया के साथ साथ एक बिलीफ का एरिया भी बढ़ गया था कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए, और खास करके कॉमन मैन के लिए, तो एक बिलीफ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. उसके तो सहारे आदमी जीता है, भले फिर वो कुछ भी हो, माने पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, कुछ भी हो. तो वो एक बढ़ते जा रहा था. तो मुझे बरसों पहले एक बार गया था मैं बनारस, तो मुझे सडनली लगा कि मैं बनारस क्यों नहीं जाता. अच्छा. उस समय एक जीत भी थी कि इंडियन लैंडस्केप होना चाहिए. अच्छा. और वो एरिया में बहुत कम काम हुआ है. जो कुछ भी हुआ है तो रविन्द्रनाथ ने लैंडस्केप में बहुत ही ओरिजिनल काम किया है. सूजा ने लैंडस्केप किए, मगर उसमें कोई जगह का उनको मतलब नहीं है. और उसके बाद जो लैंडस्केप हुआ है सिर्फ परमजीत ने किया है. और मैं परमजीत को उस तरह से रिस्पेक्ट से देखता था कि उसने लैंडस्केप को पेंटिंग का हुद्दा दिया. तो वो मैं मानता था. तो फिर इतनी आप चीज़ें मान लो तो फिर आपको रास्ता पता लगता कि खाली क्या है. तो परमजीत का भी इंडियननेस से इतना कोई उनका वो एरिया भी नहीं था, नहीं था. मगर वो एक एस्टाब्लिश हुआ था लैंडस्केप एज अ पेंटिंग. तो मैं बनारस लैंडस्केप, और ये क्राइसिस में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बाहर से जोड़ना पड़ेगा अपने आप को. ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन, ऑर्गेनिक एब्स्ट्रैक्शन नहीं चलेगा. तो मैं इसलिए बनारस गया ताकि, और ये दो रेफरेंस लेके गया कि एक तो रविन्द्रनाथ के पेंटिंग, उनका स्काई का हैंडलिंग, ट्रीज, बाकी का सिलोट वगैरह, और सूजा का पावरफुल लैंडस्केप. मगर सूजा का एक कोटेशन मैं साथ में मन में लेके गया था. सूजा का एक कोटेशन है कि मैं जब पेंट लैंडस्केप करता हूँ तो हो सकता है कि चर्च लेता हूँ पेरिस से, ट्रीज लेता हूँ एम्स्टरडम से, बोट्स लेता हूँ और कहीं से जी. और 4-5-6 रेफरेंस इकट्ठा करके लाके स्टिल लाइफ ही विल अरेंज एवरीथिंग. तो मैंने मन में ये सोचा जी. कि फिर मैं एक पर्टिकुलराइजेशन का एक आइडेंटिटी तैयार करूँगा एक जगह की. तो सूजा से बिल्कुल रिवर्स पोजिशन लेके आई वेंट टू बनारस. ये बात है 79-80 की. तो मैं जाते ही पहले दिन मेरी डील थी बलबीर सिंह कट और लतिका से कि उनके घर में रहूँगा, और मैंने उनको बताया था कि भी मैं बिग क्राइसिस में हूँ काम के लेके, तो मैं अपने आप देख के थोड़ा घूमूंगा वगैरह. तो एक इंटरेस्टिंग अनुभव ये हुआ कि बलबीर को मैंने मना किया था कि तुम ये छुपा के रखना, पर उसने तो कॉलेज में बोल दिया, और फिर कॉलेज वालों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन का भी बंदोबस्त कर दिया. अब तब तक मैं 2-3-4 दिन बनारस में घूम चुका था, तो कुछ चीज़ें भी देखी थी. अब उन्होंने एक कैनवास वहाँ लगा दिया और काफ़ी स्टूडेंट से भरा हुआ पूरा हॉल. तो मैंने कुछ एक हेड बनाना शुरू किया. तो पहले ही नोट से शुरू किया और प्रॉपर फिर लिप्स, दाढ़ी वगैरह, एक इंटरेस्टिंग साधु टाइप एक फेस, और पीछे बैकग्राउंड ब्राउन कलर से जो कि तुरंत ही बात दिखाई देता था वो करने की. तो एक हल्का सा बनारस का एक इन्फ्लुएंस उसमें, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली हुआ ना. राइट. अब रात को घर जाके बलबीर ने बोला कि
यार कमाल है, आज डेढ़ घंटा कोई स्टूडेंट्स ने हल्ला नहीं किया। अच्छा, तो आई वॉज बिट हर कि बोले वहाँ तो भी कोई अगर मॉडर्न मॉडर्न करना शुरू किया तो बिग वे हल्ला होता है। हाँ जी। हाँ, तो मुझे पहली बार लगा कि शायद वो पहले ही नोज बनाया फिर प्रॉपर ड्राइंग शुरू किया तो स्टूडेंट इसलिए चुप रहे। और एक एक इंस्टिंक्टली मैं उस समय बनारस की कुछ चीज़ें ला पाया होऊंगा, ब्राउन कलर पहले वगैरह, तो ब्राउन कलर फिर वही कलकत्ता का कलर हो गया ना। ठीक है, डार्क एरियाज वगैरह, ह्यूमन एक्सप्रेशन जो कलकत्ता में दिखाई देता था वही चीज। तो एक छोटी सी वो शुरुआत से मैंने, बलवीर ने मुझे बताया कि स्टूडेंट को अगर पसंद नहीं तो बिल्कुल हल्ला करके बंद करवा देते थे। अच्छा। तो एक वो, और फिर जो दो चार दिन घुमा और मुझे बलबीर रोज ही वो दोनों तंग करते थे, जाने नहीं देते थे। तो एक दिन मुझे ऐसा बताया कि चलो तुमको काशी स्टेशन पे छोड़ेंगे शाम की ट्रेन से, और हम लोग 80 घाट से निकले, आस्ते आस्ते अंधेरा हुआ और कमाल का ब्राइट स्काई, मैंने ऑरेंज रेड कलर, बीच का पूरा एरिया डार्क हो गया और उसका रिफ्लेक्शन गंगा पे दिखाई देता था। और जैसे बोट आगे जा रही थी कुछ अंधेरा भी बढ़ रहा था, कमाल का, आई वॉज सो लकी के वो टाइमिंग। और फिर पॉकेट्स में आरती का, घंटियों का आवाज और कमाल का लाइट, मैंने वो जो मंदिरों में लाइट होता है तो एकदम पॉकेट्स उस जमाने में, दैट वॉज अ मैजिकल, मैंने मेरी फर्स्ट ट्रिप में ही लास्ट डे देखने मिला मुझे। और मुझे लगता कि दैट वॉज द एक्सपीरियंस जो आज तक हेल्प करता है। वो मैं कम से कम 100 बार गया होऊंगा वो मैजिकल तीन चार बार देखने मिला। मेरे ख्याल से वो टाइम कुछ सीजन के ऊपर डिपेंड करता होगा, वो स्काई वगैरह, पर उसके सिवा बाकी काफी चीज एक मानसून में देखा वगैरह, तो वो सब एक अनुभव हुए। मगर आज तक मैं उस बनारस से थका नहीं हूँ, मैंने इतनी नई चीजें, इतने टाइम जाने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ बनारस को सिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। तो सिटी ऑफ लाइट तो मंदिरों में बाहर ये वो सब दिखाई देता था, मगर काफी एक्सपीरियंस के बाद लगा कि यहाँ दो किस्म की लाइट है, एक तो गॉड मेड है और मैन मेड है। गॉड मेड वो है कि जो आकाश उसका रिफ्लेक्शन, और मैन मेड है मंदिरों का जो श्रृंगार वगैरह। तो वह एक दो किस्म का एक एरिया है और उसकी एक रिदम चलती रहती है। तो वो एक कमाल का एक अनुभव। साथ साथ एक दिन ऐसा भी लगा कि यहाँ फूलों की बहुत ही प्रेजेंस है ऑल द टाइम, जहाँ तहाँ देखो। तो फूलों के बारे में ऐसा जो हमने अभी तक देखा कि वो प्यार का एक गुलाब का फूल वगैरह, उससे बिल्कुल पूरा थिएटिकली फूलों की एक सिचुएशन बहुत अलग लगी कि उनका भी भाग्य ऐसा है कि एक फूल भगवान के सर पे भी चढ़ता है जी। और एक गले में भी होता है, कुछ पैर के पास होते हैं। तीसरे चौथे दिन वो फूल मुरझा जाने के बाद वो गंगा की इसमें कीचड़ में पड़ा होता है या लोग उसके ऊपर पैर रख के जाते हैं। तो मुझे एक जर्नी उनकी बहुत ही कमाल की थिएटर कल लगी फूलों की। तो मैंने पूरा एक सीरीज मेरा है फ्लावर्स को लेके, और इट्स वेरी रोबस्ट ऑर्गेनिक, उसमें फूल नाम से जो एक पोएट्री होनी चाहिए एकदम नहीं है। तो एक नया सीरीज वो मिला। तीसरा, मैं बनारस गया था जिस समय, उसी समय जो मैं चेंज के मूड में था, तो भागलपुर ब्रांडिंग का इंसिडेंट हुआ था। तो पिकासो ने जैसे हेड सीरीज में काफ़ी फेस को तोड़ा मोड़ा है, सुधा साहब ने किया है, तो एक ख्वाहिश थी अंदर से कि मैं भी फेस को लेके कुछ डिस्टॉर्ट करूं। और मुझे हमेशा ये शौक रहा है कि इट शुड बी वर्नाकुलर, मैंने कहीं एक जगह रूटेड काम होना चाहिए। तो फिर मैंने ये इंसिडेंट का फायदा उठा के कुछ एक सीरीज करी थी जी। पर बनारस जाके इतने इंटरेस्टिंग फेसेस मिलते थे, शाम को कुछ बूढ़े लोग बिल्कुल वेट कर रहे, जनरली डेथ से डर लगता है
उसके बोले दे आर वेटिंग कि हम बनारस पहुंच गए तो हम यहाँ मरेंगे तो सीधा मैं स्वर्ग मिल जाएगा. तो एक कमाल के इंटरेस्टिंग फेसेस जो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतना नहीं मिलेंगे. इट्स ऑर्गेनिक एक्सप्रेसिव फेसेस देखने मिले. तो एक मेरी तीसरी सीरीज है वो. तो एक बनारस से ही एक लैंडस्केप, स्टिल लाइफ एंड हेड, ऐसी तीन सीरीज जो आज तक मेरे हेल्प कर रही है. ओके, सो बनारस वाज ऑलमोस्ट अ न्यू जर्नी इन योर क्रिएटिव लाइफ एंड जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है कि आपको फिर लगा कि नहीं अब कहीं और चलना चाहिए. नहीं, मुझे बनारस में आपको रूट मिला. हाँ, आपको लगता है वो जैसे एक दिन मेरी डॉक्टर मनीषा है उसने उसको मैंने पूछा तो उसने कहा पर ये सब तो बोर्ड से बैठ के देखा है ना. तो मुझे उसमें एक क्रिटिकल एक नोट लगी कि भाई अच्छा मैं अब बोर्ड से नीचे उतर के अंदर जाके देखूं. ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड से आप इतनी सारी चीजें देखते हो. हाँ, ट्रिमेंडस. अगेन सुबह में निकलो तो आप लोगों का झुंड का झुंड और ग्रुप और एक लेवल का फेथ का प्रैक्टिस और नहाने का वहाँ के एक लेवल का कमाल का एक्सप्रेशन. मैं एक दिन कुछ शादी ब्याह के दिन थे तो दशाश्वमेध में घाट पे खड़ा था तो यंग कपल काफ़ी कलरफुल कपड़े पहने हुए कलरफुल फूले बुले लगाए हुए गंगा पूजन के लिए आते थे और पूजन करके जाते थे. मैं कुछ एक डेढ़ घंटा काफ़ी 100-150 कपल को देखा होगा तो उनके एक्सप्रेशंस नई एक भावना वगैरह. फिर थोड़ा थक गया तो थोड़ा और चलना शुरू किया. 2-5 मिनट में मणिकर्णिका घाट, सेम कलर सेम फ्लावर्स, वर्टिकल फिगर के बदले हॉरिजॉन्टल फिगर, डेड बॉडीज पड़े हैं उसके ऊपर फूल है ये. तो एक कमाल का वहाँ मैंने बर्थ डेथ शादी ब्याह पूर्व लाइफ पे एकदम एक साथ देखने मिलता है जी, कॉन्ट्रास्ट जो. हाँ, और विदाउट एनी ग्रेट ट्रेजेडी वहाँ, क्योंकि एवरीबॉडी इज हैप्पी कि इवन मरे तो भी मैंने वो गंगा किनारे बनारस में. दैट्स राइट. तो एक कमाल की एक ऑर्गेनिटी है वो हमारी, मुझे लगता है कि एक बुनियाद है बड़ी एक मैंने. और मैं ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलता, उससे जो एक फेथ के ऊपर बड़ा ये हुआ. तो बाद के मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड, तो सेम चीज अच्छे कमाल के चर्चों में देखने मिली. right. सेम चीज गुरुद्वारा में देखने मिली. तो एक 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 फेथ का एरिया बड़ा एक्सपांड हुआ. तो मैंने एक जगह लिखा है कि वेदर यू गो टू टेम्पल चर्च और गुरुद्वारा एनी वेयर आई फाउंड टू थिंग्स वेरी कॉमन, फेथ एंड फ्लावर्स. तो इस तरह का ये जो ऑब्जर्वेशन है तो मुझे लगता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ बातें हो सकती है. बनारस में भी एक लेवल की ऑर्गेनिटी मैं इसलिए बोलूँगा कि मैं एक लेवल पे पॉपुलर कल्चर का आदमी हूँ, बड़ी बिलीफ है उसमें और इसका भी हूँ क्राफ्ट का. तो बनारस में बहुत ही बड़ा गढ़ है वो वीवर्सों का. हाँ, और उसमें पूरी इस्लामिक इन्फ्लुएंस है. हाँ जी. तो बहुत ही कमाल की वहाँ दो चीज की प्रेजेंस दिखाई देती. द मोमेंट आप एंटर करो क्राफ्ट एरिया में तो कमाल की डेलिकेसी, कमाल की टेनेसिटी फॉर क्राफ्टमैनशिप, रिपीटेशन की कमाल की कि रिपीट करते करते आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता. जो वेस्टर्न एजुकेशन में नहीं है वहाँ रिपीटेशन को हम बुरी तरह से देखते हैं. मगर हिंदुस्तान में आप एक कारपेट वीवर इतना कारपेट डिजाइन दिखाई देता है और वो वीव करते रहता है. right. सारा दिन. right. हाँ, और कुछ महीनों तक. और जिस दिन वो कारपेट खोली जाती है तो इट्स अ बिग वन एपिक ड्रामा दिखाई देता है. तो ये जो चीजें हैं वो हमारे इधर मुझे लगता है कि बहुत कमाल की है. और इतने अलग अलग फेथ, अलग अलग प्रैक्टिस, पॉपुलर कल्चर भी हमारा काफ़ी रिच है फिल्म से लेकर सब कुछ. और क्राफ्ट के एरिया में ये चीज मुझे
दिखने को बहुत ही जी जी और क्राफ्ट्समैनशिप ने भी आपको इतनी खूबसूरत क्राफ्ट्समैनशिप ने क्राफ्ट्समैनशिप का भी जो अनुभव हुआ जो गांव में बने पट ये तो बनारस की बात है मगर फॉर ए जॉब में उड़ीसा में काफ़ी काम किया है राजस्थान में और लास्टली मधुबनी में बिहार में तो मैं इतने कमाल के क्राफ्ट्समैन लोगों को देखा है कि आप उनके सामने कुछ नहीं हो मैंने इतना वो जानते हैं और इतनी कमाल की एक और फिर भी वो सिंपल होते हैं और उनकी इकोनॉमी भी बड़ी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं होती तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि द रिस्पेक्ट फॉर क्राफ्ट्समैनशिप वो बहुत ही जरूरी चीज़ है वो मैंने ये सिर्फ दाढ़ी बढ़ा के आप कलाकार बन गए ऐसी बात नहीं होती मैंने इवन पेंटिंग के एरिया में भी वो सब एरियाज होने चाहिए कि एक लेवल का वर्क प्रॉपर होना चाहिए और वो तो एक लेवल पे मॉडर्न पेंटिंग की ट्रेडिशन जो रही है उसमें यूरोपियन पेंटिंग में भी वो डिसिप्लिन कमाल की है मैंने पिकासो को देखो तो वो ड्राइंग ठीक से जानता है मैंने और वो पॉटरी करता था काफ़ी चीज़ें दूसरी चीज़ें भी तो एक डिसिप्लिन की बात है जो मुझे एज ए इंडियन फ्रॉम ए इंडिया ये देखने मिला कि So which you follow in your life as a painter, discipline? आप रोज पेंटिंग करते हैं और हाँ मैं बिल्कुल उसमें तो बहुत ही रेगुलर पेंट करता हूँ देखिए मैंने गांव में एक वीवर की क्या लाइफ होती सर्टेन एरिया में जहाँ वीविंग एरिया है आप जाओ सुबह में 7 बजे आपको खटाखट वो लूम का आवाज़ सुनाई देगा वही आदमी वहीं चाय पी लेगा अपना काम सुबह 7 बजे शुरू कर देगा 12:30 बजेगा तो फिर वो नहाने जाएगा जी। नहा के खाना खा के वहाँ ही लंबा होकर सो जाएगा जी। फिर एक आधा घंटा रेस करके फिर से वो शुरू तो शाम को मंदिर में आरती का आवाज़ होता है तब वो काम छोड़ता है बीच में सिर्फ जन्म मृत्यु एंड शादी वो जब आते हैं तब उनका काम बंद होता है तो एक लेवल के कमाल की डिसिप्लिन होती है तो वाई नॉट बनाया वो मॉडर्न पेंटिंग में मैं जरा भी नहीं मानता कि हमारा मूड आएगा तब काम करेंगे माने यू हैव टू वर्क सिंपली एंड इट्स योर जॉब जी तो बनारस के बाद कहीं और इन योर वर्क कोई और न्यू चेंजेस ना वो कोई ढूंढने की कोई जरूरत भी नहीं है अच्छा थोड़ी होता कि जी कोई बोले कि दिल्ली पे पेंट करोगे कि तो नहीं करेंगे दिल्ली में रह के पेंट करेंगे तो ये फिर क्लिशे बन जाता क्या कोई नई जगह चाहिए जब तक काम निकल रहा तो जी क्यों नहीं करने का जी। दूसरा एक जो मैंने लेट्स से फेसेस की मैं बात करूं तो एक इंडियन फेस जिस तरह का है और जिस तरह का एक एक्सप्रेशन दिखाई देता है और बड़ी एक टफ लाइफ होती है तो ये जॉब के दरमियान गांव में मुझे जो सबसे ज्यादा एक अनुभव हुआ है विमेन पावर को देखने का मैंने गांव की औरतें बिल्कुल कमाल है मैंने बहुत अलग है और यहाँ की शहर की औरतें ऐसी होती है कि नहीं मुझे नहीं पता हाँ दे आर सो स्ट्रांग पीपल तो और फिर मैं तो पीपल लाइक गंगा देवी वगैरह से सीता देवी के साथ काम किया है तो वो एक जो पावर है उसके उनके ऊपर उनका जो एक कमाल का एक इंस्टिंक्ट होता है क्योंकि एग्रीकल्चर सोसाइटी होने की वजह से इंस्टिंक्ट बहुत ही कमाल का होता और ये तो स्टीव जॉब ने बिल्कुल लिखा हुआ है ये और स्टीव जॉब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जब 18-19 साल की उम्र में यहाँ आया और वापस गया तब उसको कल्चर शॉक हुआ था बाहर वापस जाके कि हम लोग इतना रैशनल होकर कैसे काम करते हैं मैंने हिंदुस्तान में अभी भी मैंने जो एक और मेरे ख्याल से इंस्टिंक्ट का एरिया पे ही काम करके उसने आईफोन से लेकर सब कुछ बनाया तो वो हमारी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है वो हम क्यों कॉन्शियसली बचाए ना रखे तो इस तरह के जो एक एक, एक बने आदमी आकाश देख के बता सकता है कि नहीं 3 दिन के बाद बारिश जरूर आनी चाहिए तो क्या है बने ये एग्रीकल्चर सोसाइटी की एक सबसे बड़ी और एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सेक्टर है ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का सबसे बड़ा दूसरा सेक्टर है एंड आई वर्क फॉर 25 ईयर्स तो मुझे एक कमाल का एक अनुभव हुआ है कि ह्यूमन कैपेसिटी का मैंने दैट मेड मी टोटली पॉजिटिव पर्सन कि बहुत कुछ हो सकता और मैंने ऐसे बहुत कमाल के क्राफ्टमैन देखे हैं
कि इतनी पॉवर्टी के बीच में सबसे बड़ी बात है, देखिए लत से मधुबनी, इतनी पॉवर्टी के बीच में वो लोग श्रृंगार की बात करते हैं, मैंने वो जो जो वेंगोग वेंगोग बना इसलिए कि उसने अपनी सफरिंग की बात कहीं नहीं करी है, नहीं की जी, और बल्कि अपने फेथ की बात करी है, अपनी बिलीफ की बात करी है, तो इसलिए वो एक अलग है, उसने बिल्कुल नेगेटिव एरिया पेंट नहीं किया। तो मैं कभी गंगा देवी को गया, उनको देख के वो लाइफ के बीच में भी तो एक लेवल की कमाल की पॉजिटिविटी है, और वो हमारी एक अच्छी स्ट्रेंथ है, और जो आपके काम में आती रहती होगी, मुझे लगता है हेल्प करती है कहीं एक जगह। तो ये औरतों वाला अनुभव उस हिसाब से भी ख्याल आया, और फिर घर में शायद ये माधवी के साथ का जो रोल है उसमें भी हेल्प किया होगा। तो ये ट्रांसलेट हुआ किसी काम में योर, ये सब मैं उसकी वेट नहीं करता, नहीं करते, आना है तो आए, नहीं आना तो नहीं आए। अच्छा, आप एक अनुभव कर लो और चुप बैठ के काम करो अपना, तो कहीं ना कहीं वो कौन से एक पेंटर ने कहा है कि व्हाइल वर्किंग व्हाट एवर यू विल थिंक इट विल कम, उसकी एक लेयरिंग से आएगा, आप ऑब्वियसली ढूंढने जाएंगे, तो एक उसकी स्ट्रेंथ जरूर बन जाती है वर्क ऑफ आर्ट की। ठीक है, तो कोई स्पेशल एफर्ट नहीं, यू असिमिलेट और वो सब निकलता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को छोड़ के रखना चाहिए। वो पेंटिंग भी एक ऐसी चीज है, सच अ पावरफुल मीडियम, कि उसमें आप पेंटिंग में चढ़ जाओ कि मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा तो वो भी बनने नहीं देता, माने वो तो आधा पेंटिंग आप करो और आधा पेंटिंग आपको बताया कि तुम ये करो। हाँ, तो मैं इसमें विश्वास करता हूँ। तो आपको पेंटिंग के सामने भी आपका ईगो छोड़ के ही बात करनी पड़ती, नहीं तो काफ़ी तंग कर सकता पेंटिंग वाला है। आजकल कोई नया शो, कोई नई सीरीज पे काम? मैं अभी बॉम्बे में मेरा शो है, एक दुबई में है और अहमदाबाद में, अभी आने वाले 3 महीने में 3 जगह शो है। तो उस पे काम कर रहे हैं? हाँ, कुछ काम कर ही लिया है, तब मैं फिर यहाँ पहुँचा हूँ। जी जी जी, तो कभी कुछ किताबें, कुछ फिल्में, ये सब जो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था, ये चलता रहता है? थिएटर? थिएटर तो मैंने काफ़ी सालों से छोड़ ही दिया है, मगर वो मेरे बच्चे बोलते हैं कि छोड़ा कहाँ है, अभी भी एक्टिंग करते हो, मगर वो हेल्प जरूर करता। अब जब मैं फेसेस की बात करा तो किसी ने मुझे एक बार पूछा था कि नोज वगैरह की कैरेक्टर एक ही रहती है, तो बोले इस सेल्फ पोर्ट्रेट है, वो पेंटिंग की लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और मैंने उसको थिएटिकल लैंग्वेज में जवाब दिया था कि नहीं, ये सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं है, बट वन एक्टर इज डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ए रोल। राइट राइट, तो उससे मुझे फायदा ये हुआ कि मेरी जो हेड सीरीज है उसका मेरा, मैंने एक बार कोटेशन किया था कि व्हेन आई पेंट हेड्स आई डोंट पेंट हेड्स बट आई पेंट एक्सप्रेशंस, व्हेन आई पेंट एक्सप्रेशन आई डोंट पेंट एक्सप्रेशन बट आई क्रिएट अ सिचुएशन, क्योंकि सामने कुछ होता होगा उसका एक्सप्रेशन दिखाई देता ना फेस पे। तो फेस ऐसा होना चाहिए कि आपको ऑलमोस्ट इंडिकेट करे कि सामने ये हो रहा था। जी, तो इस तरह के एक थिएटर से फायदा होता है। और बनारस लैंडस्केप अगर मैं सेट डिजाइन नहीं करता तो नहीं होता, अभी भी ईच लैंडस्केप मेरे लिए सेट डिजाइन है। और उसकी लाइटिंग, उसके फॉर्म्स वगैरह, स्पेसिंग, और एक मुझे लगता थिएटर और क्राफ्ट वो अंडरकरंट बिग वे हेल्प करता है। और मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि आप एक डिसिप्लिन में काम करो, साथ साथ दूसरी डिसिप्लिन के इंटरेस्ट आपको हमेशा हेल्प करते हैं। तो अगर कुछ यंग आर्टिस्ट के लिए कहना चाहें विद योर ओन जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस? तो मेरे ख्याल से अभी तो यंग आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। अभी जब हुसैन साहब थे तब मैं बोलता था कि हुसैन साहब से लेके यंगर जनरेशन तक एवरीबडी वॉज एक्टिव, और अभी तो यंगर जनरेशन को इतने मौके मिले जो हमें नहीं मिले थे। तो आई वॉज यूज टू ड्रीम फॉर दैट काइंड ऑफ ए फ्रीडम, तो आज उनको मिला है तो बड़ा एक अच्छा लगता। और काफ़ी दोस्ती भी है मेरी, मैं और माधवी यंगस्टरों के साथ बहुत दोस्ती है। इतना हम ट्रैवल करते हैं कैंप्स में, तो जनरली हम दोनों सीनियर होते हैं और काफ़ी यंगस्टर होते हैं, तो एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर है। और कभी ये नहीं हुआ कि ये लोग सीनियर होकर क्यों साथ में हैं, क्योंकि आप जनरली उनके उनके प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो
और खास करके उनके अफेयर्स और मैरिज और वो जब प्रॉब्लम होते तो मुझे अच्छे अच्छे मेरे साथ ओपनली बात करते हैं. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यंगर पीपल के अब जॉब नहीं करना पड़ता, आप फुल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो. मैंने छोटा बहुत अब सब यंगस्टरों को कुछ से कुछ मिल जाता तो उनके लिए तो अब सिंसियरली काम ही करना एक रास्ता है. दूसरे लैंग्वेज में काफ़ी फ्रीडम हो गया, मटेरियल को लेके काफ़ी फ्रीडम हो गया, इंस्पिरेशन के दूसरे टूल्स बढ़ गए, तो विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग. और यंगर जनरेशन ने जो कुछ लोगों ने जिस तरह का नाम किया है उससे लगता ही है कि एक हेल्दी एटमोसफियर है. थैंक यू मनोजी, इट इज ग्रेट स्पीकिंग टू यू. थैंक यू.